हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज। रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। स्टोरी के रूप में है ये। कहानी को ध्यान से सुनिए। ए वी वेंट टू ए टैंक टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। एक मधुमक्खी एक जलाशय के पास जाती है क्वेंच यानी बुझाने के लिए अपनी प्यास। उसे पानी पीना है। टम्बलिंग इन, वहाँ एकदम से जाती है, प्यासी तो रहती, लड़खड़ाती है। ऑलमोस्ट ड्राउंड, लड़खड़ा के पानी में गिर जाती है, डूब जाती है। इट ऑफ दैट हैपन टू पास दैट वे, सा द डेंजर द बी वॉज इन। अचानक कबूतर निकल रहा होता है वहाँ से, वो देखता है मधुमक्खी खतरा में, तो वो जाके क्या करता है, इट हैजन टू ए नेवरिंग ट्री, जाकर पड़ोस के पेड़ में, पेड़ पर बैठ जाता है। प्लगिंग ऑफ ए लीफ, चोंच मार के पत्ती तोड़ता है। ड्रॉप इट इन टू वाटर बिफोर द बी, वो पत्ती है ना टूट के गिरती है, लहराती हुई आके मधुमक्खी के सामने गिर जाती है। द बी क्लाइम्ब ऑन द लीफ, ऑन टू द लीफ, मधुमक्खी पत्ती पर चढ़ जाती है। ड्राइड इट्स विंग्स, पंखों को सुखाती है। एंड फ्ली अवे टू इट्स हाइव, और अपना दिन भर का पराग एकत्रित करने का जो क्रम है कार्य करने के लिए फिर से उड़ जाती है। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द डव दैट हैड सेव्ड इट्स लाइफ, इस महानता के कारण कि एक कबूतर ने उसकी जान बचाई, ये सोचकर जो चली जाती है। ए फ्यू डेज लेटर द सीएमबी वाइल रिटर्निंग टू इट्स हाइव आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क, कुछ दिनों बाद भई मधुमक्खी अपना दिन भर का पराग एकत्रित करके फूलों से काम करके दिन भर का लौट रही थी, तभी वो क्या देखा उसने, ए साइक्रुअल बॉय, एक निर्दयी बालक, टेकिंग हिम एडवांस डब सिटिंग अपॉन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। वो देखती है कि एक निर्दयी बालक मधुमक्खी कबूतर का निशाना बनाने वाला होता है। पहले तो वो चुपके से जाके उसकी कलाई पे बैठती है। एडवांस फ्लू इन द टू द रिस्ट ऑफ द बॉय, पर कलाई पे बैठती है। एंड जस्ट व्हेन ही वाज गोइंग टू शूट एंड डव शूट द डव, जैसे वो कबूतर को निशाने लगाने जाने वाला होता है उसी समय वो क्या करती है, स्टंग इट, उसे वो डंक मार देती है। द बॉय डांस, वो लड़का डांस, मधुमक्खी का डंक पड़ता है ना, जैसे ही डांस करने लगता है कोई भी, मतलब दर्द के मारे तड़पने लगता है। विथ पेन वाइल द डव रियलाइजिंग द डेंजर टू विच इट वॉज एक्सपोज, लड़के ने एक तरीके से डांस कर दिया और कबूतर को समझ में आ गया अचानक से आवाज आई कोई गड़बड़ है आसपास, तो बॉय उड़ गया एकदम से। चलिए क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप पढ़ सकते हो आंसर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।